वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक ओवर्स। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लाया हूँ वो बहुत ही खास है। ये वीडियो इस बारे में है कि इको स्पोर्ट SC वेरिएंट और वेरिएंट से अलग कैसे है, उसमें जो स्टेपनी नहीं दी गई है तो उसकी जगह पे आपको क्या प्रोवाइड कर रही है कंपनी, और उसमें क्या क्या अलग है और वेरियंट से क्या खास फीचर्स हैं, और ये कहाँ पे फिट होती है, कौन से वेरियंट के बीच में फिट होती है, तो इन सभी के बारे में हम बातचीत करेंगे। इस वीडियो को आगे देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल टेकोविल्स को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सबसे पहले जहां हमारी नजर पड़ती है वो कि इसका टेल माउंटेड व्हील जो कि हटा लिया गया है, जो कि बिल्कुल ही आपको मायूस करेगा। इसकी शान थी वो, अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें सब कुछ सेम है। इसमें अलॉयज जो दिए गए हैं वो टाइटेनियम वाले दिए गए हैं। अगर हम बात करें तो इसमें HID हेडलैम्प दिया गया जो कि स्पोर्ट्स मॉडल का है। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ, अंदर क्या क्या चेंजेस हैं। तो अगर हम अंदर की तरफ बात करें, सबसे पहले जहां हमारी नज़र पड़ती है वो कि इसका सीट जो है वो लेदर का ना देके आपको फैब्रिक सीट मिलेगा। जी हाँ, इसमें फैब्रिक सीट दिया गया है, लेदर का नहीं दिया गया है। और क्या क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले हम देखें इसमें Sync 3 विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, साथ ही साथ AC के कंट्रोल, ग्लव बॉक्स में आपको लाइट मिलेगा। साथ ही साथ देखें तो इसमें ऑरेंज इंसर्ट्स हटा दिए गए हैं, इसमें ब्लैक इंसर्ट ही है जो कि स्पोर्ट्स मॉडल में ऑरेंज आते हैं। सनग्लास होल्डर मिल जाएगा आपको, इधर आपको सनरूफ मिल जाएगा जो कि सेम है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इधर सनवाइजर पे आपको दोनों साइड, ये ड्राइवर साइड आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई मिरर वगैरह नहीं है, दूसरी साइड आपको मिरर मिल जाएगा, और उसके साथ ही साथ इसमें लाइट भी दी गई है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें तो इसमें इलेक्ट्रोक्रोमिक ये आपको रियर व्यू मिरर मिलेगा जो कि ऑटो है, आपको मैनुअल यूज़ नहीं करना है कुछ भी। अगर हम बात करें कि और क्या क्या डिफरेंस है, हम पीछे की तरफ चलते हैं। पीछे की बात करें सबसे पहले नज़र पड़ती है सीट पे जो कि सेम है, और यहाँ पे हम देखें तो आपको ये आर्मरेस्ट भी 2 कप होल्डर मिल जाएगा। अब हम अंदर बैठ के देखते हैं इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। जी हाँ, इसमें आपको मिलता है सेम व्यू है पीछे से जो आपको स्पोर्ट्स मॉडल में है, बस आपको लेदर सीट नहीं है और इसमें आपको वो हटा दिया गया है। अगर हम बात करें विंडो के कंट्रोल, इल्यूमिनेटेड है दोनों साइड के, साथ ही साथ इसमें दिए गए हैं आपको 6 एयरबैग दिए होने की वजह से आपको कोई भी ग्रैब हैंडल नहीं मिल रहा है ऊपर, आपको स्पोर्ट्स की तरह यहाँ यूज़ करना पड़ेगा ग्रैब करने के लिए। अगर पीछे से व्यू की बात की जाए तो देखिए पीछे से व्यू भी सेम है स्पोर्ट्स की तरह, क्योंकि Sync 3 का सिस्टम लगा है। साथ ही साथ ये सामने एक वाइट कलर की SC मॉडल खड़ी हुई है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें कि और क्या क्या डिफरेंसेस है, तो कोई खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो स्टेपनी हटा दी है उससे पूरा मायूसी हाथ लगता है। पता नहीं फोर्ड ने ऐसा क्या देखा है इसमें जो इसको हटा दिया। अगर हम बूट की बात करें तो सेम बूट है 352 लीटर्स का, और साथ में इसमें स्टेपनी नहीं दिया गया, तो आपको ये पंचर रिपेयर किट और ये डायरेक्शंस लिखे हैं इसको कैसे यूज़ करना है। अगर हम बात करें कि नीचे स्टेपनी दी गई है तो नहीं दी गई है, देख लीजिए इसमें स्टेपनी भी नहीं दी गई है। साथ ही साथ इसमें और क्या दिया गया है, तो एक ये सॉल्यूशन सा दिया गया है जो कि वो पंचर रिपेयर किट के साथ ही है, इसको यूज़ करते हैं तो आपका पंचर फिक्स हो जाता है। तो 50,000 से 55,000 के प्राइस डिफरेंस में इस कार में से बहुत सारी चीज़ें कंपनी ने रिमूव कर दी है। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, कीप वॉचिंग, थैंक यू।